हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मोमिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त नाजिया। भाई चॉकलेट किसको नहीं पसंद होता है, बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर गर्मियों में चॉकलेट की ठंडी ठंडी लस्सी बनाई जाए तो क्या बात है। तो आइए चॉकलेट लस्सी की रेसिपी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट लस्सी बनाने के लिए हम ले रहे हैं एक ग्लास टम्बलर और थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट ले रहे हैं, या आप चॉकलेट सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम ग्लास के कोनों में इस तरीके से लगाएंगे। इसमें बिल्कुल भी परफेक्शन की आपको ज़रूरत नहीं है, ये बस इसे थोड़ा सा अच्छा चॉकलेटी लुक देने के लिए हम कर रहे हैं। और हम थोड़े से क्रश नट्स ले रहे हैं, यानी कि मेवे, आप अपनी चॉइस के नट्स ले सकते हैं। और हमने कॉर्नफ्लेक्स को भी क्रश किया है, हमने बादाम और पिस्ता का यहाँ पर मेवों में इस्तेमाल किया है। आप बारीक काट के भी लगा सकते हैं इस तरीके से, और हल्के हाथों से इसे प्रेस भी कर सकते हैं। ये हमारे नट्स का मिक्सचर हमने लगा दिया है। अब हम थोड़ा और चॉकलेट सिरप या मेल्टेड चॉकलेट को अंदर ग्लास के अंदर इस तरीके से लगा देंगे। कैसे भी आप लगा सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इससे चॉकलेटी लुक अच्छा सा देगा। तो हमारा ग्लास जो है वो अब तैयार हो गया। इसे हम सेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम अपनी लस्सी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम ले रहे हैं दही, जो लगभग 250 ग्राम हमने लिया है, 250 से 300 ग्राम आप ले सकते हैं। और हम आधा कप के करीब दूध या पानी आपको लेना है, और थोड़ी सी चॉकलेट हम तोड़ के डालेंगे, और चीनी स्वाद अनुसार या 2 से 3 बड़े चम्मच आप ले लें, और 1 से 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर या फिर कोको पाउडर, हमने अनस्वीटेंड कोको पाउडर का इस्तेमाल किया यहाँ पर, वो आप ले लें, और थोड़ा सा वनीला एसेंस लगभग आधा छोटा चम्मच हम ले रहे हैं। इसमें इसे हम ब्लेंड कर देंगे लगभग 1 से 2 मिनट तक लगातार चला के। तुम्हारी लस्सी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसे पोर करेंगे अपने ग्लास टम्बलर पे, जो हमने फ्रिज में सेट कर दिया था। अब हम जो अपनी लस्सी है उसको गार्निश कर रहे हैं, जो बचे हुए हमारे नट्स हैं और कॉर्नफ्लेक्स का मिक्सचर था उससे। तो हमारी ठंडी ठंडी चॉकलेटी लस्सी बिल्कुल तैयार है। इसे गर्मियों में ज़रूर ट्राई करें और बनाएं, बच्चे और बड़े सभी के ये बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मोमिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।